गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। और दोस्तों अब जा रहे हैं हम लोग घर, हमारी नेपाल यात्रा की ट्रिप यहां पर समाप्त होती है और अभी जाएंगे स्टेशन और आपको दिखाने वाले हैं स्टेशन कैसा है नेपाल का, और जो कि नेपाल टू इंडिया ट्रेन जो है वे में हम सफ़र करने वाले हैं। तो नेपाल टू इंडिया जाएंगे ट्रेन बाय ट्रेन। तो गाइस ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये स्टेशन बना हुआ है और अंदर से लेते हैं टिकट और यहाँ से फिर हम निकलते हैं। ये है हमारे हाथ में टिकट और ये दो लोगों का 140 रुपीज़ लगा है टिकट, मतलब कि 70 रुपये नेपाली एक 1 पर्सन का टिकट है। और इसका जो आप डेट भी देख सकते हैं, ये हमारा 25 तारीख की डेट का टिकट है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इंडिया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। और दोस्तों अब जा रहे हैं हम लोग घर, हमारी नेपाल यात्रा की ट्रिप यहां पर समाप्त होती है और अभी जाएंगे स्टेशन और आपको दिखाने वाले हैं स्टेशन कैसा है नेपाल का, और जो कि नेपाल टू इंडिया ट्रेन जो है वे में हम सफ़र करने वाले हैं। तो नेपाल टू इंडिया जाएंगे ट्रेन बाय ट्रेन, जो है जयनगर तक हमें स्टेशन पर ट्रेन छोड़ेगी बिहार में और उसके बाद से फिर हम एमपी के लिए जाएंगे। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेपाल का रेलवे स्टेशन। तो चलिए गाइस चलते हैं और मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। तो गाइस अभी हम लोग आ गए होटल में और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना और ये हमारी ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में और हमारी थाली आ गई है और इसमें है ये पनीर की सब्जी है और ये आलू और मिक्स वेज है, चावल पापड़ दाल। तो ये डिश है, ये है हमारी कितने की 400 रुपीज़ की थाली है और इसके बाद में अभी इसको टेस्ट करेंगे और आगे आपको टेस्ट दिखाते हैं इसका। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर और ये हमारे पीछे है जनकपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, देखते हैं कितना टिकट है और जो है कितना टाइम हमें लगता है। तो गाइस ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये स्टेशन बना हुआ है और अंदर से लेते हैं टिकट और यहाँ से फिर हम निकलते हैं। हाँ लिया जल्दी लिया, मैं बैग देख रहा हूँ। जल्दी ला फिर सूट करना, 4 तो 5 भी खड़े हैं बस। तो गाइस ये है जनकपुर रेलवे स्टेशन और देख सकते हैं भीड़ ये। तो अभी ट्रेन आई नहीं है, यहाँ से आएगी ट्रेन जो कि हमें इंडिया छोड़ेगी। तो ये है इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं इसको आप। अब नेपाल से इंडिया पहुंच जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली और लगभग देखते हैं कितना किलोमीटर का सफ़र है। और अभी आप लोग देख सकते हैं भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, लगभग फिर भी है भीड़। तो अभी ट्रेन आएगी उसके बाद फिर हम आगे दिखाते हैं आपको कितने का टिकट मिला है, सारी डिटेल बताते हैं। सो गाइस हमने जो है टिकट ले ली है और आपको दिखा रहे हैं टिकट और कितने रुपए की टिकट है, आप लोग देख लीजिए। हमने दो लोग हैं हम, तो दो लोगों का टिकट है जयपुर तक का, जनकपुर से लेकर के हमें जाना है जनकपुर धाम स्टेशन से जयनगर के लिए हमने टिकट लिया है जो कि इंडिया में पड़ता है। तो अभी आपको टिकट दिखाते हैं गाइस।
गाइस ये है हमारे हाथ में टिकट और ये दो लोगों का 140 रुपीज़ लगा है टिकट, मतलब कि 70 रुपये नेपाली एक वन पर्सन का टिकट है। और इसका जो आप डेट भी देख सकते हैं, ये हमारा 25 तारीख की डेट का टिकट है। और लगभग कितने किलोमीटर की जर्नी है, कितने किलोमीटर जर्नी है दिखाओगे? अबे बताना, समथिंग 45 किलोमीटर है, 35-40 किलोमीटर की जर्नी है गाइस। और अभी हमको लगने वाला है करीब एक घंटा। तो ये आ रही है ट्रेन, 7:30 बजे की ट्रेन है अभी टाइम है। और उसके बाद फिर ट्रेन का भी व्यू दिखाएंगे, कैसी ट्रेन है, कैसा क्या है सारा कुछ। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोग जा रहे हैं इंडिया टू नेपाल। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और अभी जाते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर और ये है जयनगर बिहार इंडिया। तो हम लोग इंडिया आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी और ये लास्ट डेस्टिनेशन है नेपाल टू इंडिया। तो अभी हमारा ये सामान रखा है, ये हमारे भांजे गगन राजपूत, और चलेंगे इसके बाद फिर हम इंडिया में ट्रैवल करने वाले हैं। हेलो भाई, गाइस हम लोग आ चुके हैं इंडिया जयनगर और अब चलेंगे हमारे घर। बाय बाय। हमारे पीछे है इंडियन कस्टम और अभी है हम रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर जो है कस्टम डिपार्टमेंट से होकर के चेक इन होगी और उसके बाद हम जो है अपने यहाँ से निकल के और इंडिया में दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। तो अभी चलते हैं, कस्टम से निकलते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं गाइस आगे अगली ट्रेन पकड़ने हमारी। तो गाइस ये है जयनगर स्टेशन और यहाँ से हम बैठने वाले हैं पवन एक्सप्रेस में, जो कि हमें इटारसी तक छोड़ेगी और उसके बाद में हम दूसरी ट्रेन चेंज करने वाले हैं।
तो अभी 1 बजे की ट्रेन है और जो है कल 1 बजे हमको इटारसी स्टेशन उतार देगी। तो अभी चल रही है वेटिंग, क्योंकि हमारा जो रिजर्वेशन था दूसरी ट्रेन में था, लेकिन हम 2-3 दिन पहले ही आ रहे हैं। तो गाइज अभी इस ट्रेन में हम देख रहे हैं 130 की वेटिंग चल रही है, तो कुछ करते हैं। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि पवन एक्सप्रेस का टाइम 1 बजे दिखा रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले में सही से आप मोबाइल में नहीं देख पा रहे होंगे।